बिना नमक सब्जी का कोई स्वाद नहीं। नमक खाने में स्वाद के साथ जायका भी बढ़ाता है। ऐसे में नमक का सेवन शरीर के लिए और भोजन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें कितना नमक खाना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज एक दिन में कितना नमक खा सकते हैं? कम नमक खाने से क्या होता है, ज्यादा नमक खाने से कितने फायदे हैं, ये सभी जानकारी आपको हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को देखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। खासकर उन लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। साथियों, काफी रिसर्च करने के बाद ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ऐसे में ये रिपोर्ट भारत के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हाई बीपी वाले लोगों को अपने सोडियम की मात्रा कम खानी चाहिए। उनके मुताबिक हर रोज 1500 मिलीग्राम तक सीमित मात्रा में खाना चाहिए। ये सामान्य आबादी के लिए रोजाना अनुशंसित 2300 मिलीग्राम से कम है। सोडियम हाई बीपी को बढ़ा सकता है क्योंकि ये शरीर में लिक्विड को बनाए रखता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोडियम कम खाने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। जी हाँ, सोडियम कम खाने से हाई बीपी और दिल की बीमारी में सुधार आ सकता है। सोडियम कम खाने से बीपी की बीमारी कम होने लगती है। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इस बीमारी के मरीज को टेबल सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। डाइट में ज्यादातर सोडियम पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से आता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हर किसी को एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए। भारत के औसतन हर व्यक्ति रोजाना 8 ग्राम नमक का सेवन करता है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित रोजाना नमक की मात्रा केवल 5 ग्राम है। ये रिसर्च जर्नल नेचर पोर्टफोलियो में छपी है। इस अध्ययन के लिए राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण यानी कि NNMS के तहत 3000 युवाओं का नमूना सर्वेक्षण के लिए लिया गया था। इस सर्वेक्षण में रिसर्चर्स ने प्रतिभागियों के मूत्र में सोडियम के लेवल की जांच की, क्योंकि सोडियम नमक का मुख्य घटक होता है। साथियों, अगर आप नमक का ज्यादा सेवन करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ध्यान रहे, नमक में सोडियम होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ज्यादा सोडियम से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टरों द्वारा बताई गई नमक की मात्रा से ज्यादा ना खाएं। हमें रोजाना सिर्फ 5 ग्राम नमक खाने की जरूरत होती है। नमक में सोडियम होता है जो हमारी नसों और मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा नमक खाएंगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बन सकता है। कम सोडियम वाला नमक जिसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, जो कि हेल्दी लोगों के लिए ठीक है, लेकिन शुगर, दिल के रोग और किडनी की बीमारी वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने दैनिक भोजन में सोडियम की मात्रा कम से कम 1.2 ग्राम घटा दें, तो उन लोगों में जिन्हें ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं लेनी पड़ती हैं, उनमें से 50% तक को इसका फायदा मिल सकता है। साथियों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल लोगों को एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए और हाई बीपी वाले मरीजों को एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए। ऐसे में अगर आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।